यहां पर आप लोगों की अब एक्सरसाइज 4.8 हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये आपकी लास्ट एक्सरसाइज है 4.8। इसमें 12th टाइप नई कैटेगरी हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज फैक्टर थ्योरम। अब तक हमने रिमाइंडर थ्योरम और सिंथेटिक डिवीजन मेथड, ये दो डिवीजन मेथड हमने सीखे। अब हम यहाँ पर तीसरा मेथड सीख रहे हैं, दैट इज फैक्टर थ्योरम। इसके लिए आपके तीन स्टेप होते हैं, इसको सॉल्व आप तीन स्टेप में करते हैं। आपके पास यहाँ किताब में क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है, इधर आप करेक्शन कर लें, यहाँ पर माइनस गिवन है इसको प्लस कर लें, तो जो सेकंड पार्ट और फिफ्थ पार्ट है दोनों एक ही हो जाएंगे। आपके पीछे किताब में इसका जो आंसर गिवन है वो उसको लाने के लिए मैंने यहाँ पर प्लस साइन किया है। अब इसको करने के बाद आपने घर पे जो किताब का सवाल है पार्ट 2 जिसमें माइनस है, आपने घर पे उसी तरीके से माइनस को रख के सॉल्व करना है सेम यही पैटर्न से। तो एक तरह से मैं आपको फिफ्थ पार्ट अभी करवा रहा हूं, लेकिन करेक्शन इसलिए कर रहा हूं पीछे किताब में आंसर की वजह से आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैंने पहले करेक्ट कर दिया। तो यहां पर आपके पास ये सवाल गिवन है, इसमें मैंने करेक्शन करवा दी, माइनस साइन की जगह इधर प्लस करवा दिया ताकि किताब का आंसर मैच हो जाए। सोल्यूशन की हेडिंग डालनी है ब्लू मार्कर से, लेट करना है पी एक्स पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ एक्स, ये गिवन है इसको इक्वेशन 1। अब स्टेप 1 आएगा, तीन में से पहला स्टेप क्या है, आपने अपनी इस पॉलिनोमियल इक्वेशन में ऐसी वैल्यू पुट करनी है एक्स की जिस पे टोटल आंसर 0 आ जाए। अब ये कैसे होगा, आप खुद से कभी 1 कभी -1 कभी +2 कभी -2 पुट करेंगे। अब ये रफ वर्क में करें, आपने यहां पर वो एक ही दफा बताना है वैल्यू जिसपे आपके पास आंसर एग्जैक्टली 0 आ जाए। तो यहां पर आपने 1 पुट किया, तो स्टेटमेंट लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, वी गेट आपके पास पूरी इक्वेशन 1, इसको कहते हैं देयरफॉर इक्वेशन 1 इंप्लाइज दैट। यहां पर x की जगह जहां पर भी x है वहां पे 1 पुट किया, 1 का क्यूब 1, 1 का स्क्वायर भी 1, -1 ये चलता आ रहा है, ओवरऑल 0 आंसर आ गया। 0 लाना मकसद है पॉलिनोमियल इक्वेशन का पुट करने के बाद। तो पुट करने के बाद आपके पास 0 आ गया। यहां पर आप कहेंगे अगर मेरे पास ये वैल्यू 0 आ गई तो पीछे जब हमने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा था यहां तक का काम रिमाइंडर थ्योरम का है, तो उसमें आप कहते थे रिमाइंडर भी 0 होगा। तो अगर रिमाइंडर 0 है इसका मतलब ये वाली वैल्यू जो अंदर लिखे ये रूट होगी, तो आप कहेंगे हेंस 1 इज अ रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल इक्वेशन। तो जिस तरह आपने पीछे रिमाइंडर थ्योरम में पढ़ा यहां तक का काम रिमाइंडर थ्योरम का है, तो आपके पास रूट किस तरीके से आएगा वो स्टेप 1 में आ गया। अब अगर रूट निकाल लिया तो यहां से आप फैक्टर भी निकाल सकते हैं। अगर ये रूट है x इज इक्वल टू 1, अगर रूट है तो आप x माइनस 1 कह सकते हैं फैक्टर होगा। अगर x इज इक्वल टू 1 है, 1 दूसरी साइड पे भेजें इक्वल टू के, x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो जो x माइनस 1 है दैट विल बिकम अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ये आपके पास रिमाइंडर थ्योरम का ही काम है स्टेप 1 का। स्टेप 2 जो आपने सिंथेटिक डिविजन मैथड पढ़ा वो अब स्टेप 2 होगा। यहाँ पर फैक्टर थ्योरम बेसिकली कॉम्बिनेशन ही है आपके रिमाइंडर और सिंथेटिक डिविजन मैथड का। तो स्टेप 2 में आपने कहा कि डिवाइड कर दें अपनी पॉलिनोमियल इक्वेशन को जो px गिवन है बाय x माइनस 1 जो आपने खुद से निकाला है, सवाल में नहीं गिवन था, रिमाइंडर थ्योरम की मदद से निकाला, x माइनस 1 से डिवाइड आप कर रहे हैं टू फाइंड द अदर टू फैक्टर्स, क्योंकि x की पावर 3 अगर है तो एक फैक्टर यानी कि एक आंसर रूट एक आया है, एक आंसर x का आया है, तो एक आंसर आ गया, अभी दो और बाकी है, तो एक फैक्टर आ गया दो और बाकी है, तो अदर टू फैक्टर्स जो आपको फाइंड करने हैं कैसे करेंगे बाय सिंथेटिक डिवीजन मेथड। सिंथेटिक डिवीजन मेथड आपको डिटेल में सिखा दिया पिछली एक्सरसाइज में। यहां पर आपने कोफिशिएंट एक्स क्यूब का 1 है, एक्स स्क्वायर का भी 1 है, एक्स का -1 और कॉन्स्टेंट -1 लिखे, रूट यहां पर आपके पास +1 है, रूट यहां पर +1 है, इधर से 1 एज इट इज नीचे उतारा 1 × 1 आपके पास +1 इधर लिख दिया, और फिर आपके पास 1 + 1 = 2, 1 × 2 = 2, 2 - 1 + 1, तो 1 × 1 दोबारा करें 1 - 1 + 1 = 0, एंड में रिमाइंडर 0 आ गया, क्योंकि जाहिर है आप कह रहे हैं कि 1 इज द रूट तो ऑटोमेटिकली रिमाइंडर 0 ही आना है। ये क्यों आपने किया, ताकि आपको कोशेंट मिल जाए। आप कहेंगे देयरफॉर कोशेंट आपके पास 1x² + 2x + 1, आपको ये चीज मैंने सिखाई थी, x^0, x^1, x^2 आगे होता है x^3, उससे आगे होता है x^4, तो यहाँ पर 0, 1, 2 x^2 है, 1x² + 2x + 1, तो क्वेश्चन आपके पास x² + 2x + 1 यहाँ पर आ गया। यहाँ आपने सिंथेटिक डिवीजन मेथड अप्लाई किया था टू डिटरमाइन द अदर टू फैक्टर्स, तो आप कहेंगे हेंस अदर टू फैक्टर्स आर दीज गिवन, ये जो आपने निकाले हैं। तो ये सिंथेटिक डिवीजन मेथड कोशेंट जो निकाले थे बेसिकली, आपने कोशेंट आपने इसलिए निकालना है ताकि जो दो फैक्टर्स पीछे आपने नहीं निकाले
इधर आपके पास एक फैक्टर आया है, जो अदर टू फैक्टर्स हैं वो कोशेंट की मदद से आएंगे सिंथेटिक डिवीजन मेथड के थ्रू। अब सिंथेटिक डिवीजन मेथड से भी आपने वैल्यू निकाली, तो अब आप ये कह सकते हैं कि आपके पास थर्ड स्टेप स्टार्ट होगा। थर्ड स्टेप में आप कहेंगे कि सिंस आपके पास पॉलिनोमियल इक्वेशन ये गिवन है, देयरफॉर आप कह सकते हैं कि पॉलिनोमियल ऑफ एक्स मैं लिख सकता हूं एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, क्योंकि आपके पास यहां पर अगर मैं मल्टीप्लाई करूं इस ब्रैकेट को तो ऊपर वाला ही आंसर आएगा। घर पे बैठ के बेशक ट्राई कर ले। ये आप क्यों डायरेक्ट कह रहे हैं, क्योंकि एक फैक्टर ये रहा, दूसरा फैक्टर ये रहा। मैं कहूं कि अगर मेरे पास पूरी एक इक्वेशन 10 है तो उसका मतलब ये 2 मल्टीप्लाई बाय 5 होगा। कैसे डायरेक्ट कह रहे हैं, क्योंकि ये दो फैक्टर्स हैं 10 के। तो उसी तरीके से आपके पास दो फैक्टर्स, यहां पर तीन फैक्टर्स हैं इस पॉलिनोमियल इक्वेशन के, दैट आर एक्स माइनस वन और दूसरा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन। अब x माइनस वन तो एज इट इज यहां पर आपको नजर आ रहा है एक फॉर्मूला, दैट इज ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। उस तरीके से आपने ओपन किया ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, हवाला दें बाय यूजिंग फॉर्मूला ए प्लस बी होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे, दैट इज ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। जगह खत्म हो गई, इसको नोट करें। आगे आपने क्या करना है, इसकी जगह फॉर्मूला ओपन करना है। तो यहां पर एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, दो स्टेप रह गए, इसको जल्दी से नोट करें। अब यहाँ पे इसके बाद आप कहेंगे कि आपके पॉलिनोमियल इक्वेशन एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर है, तो स्क्वायर या क्यूब जो भी होगा उसको आप अलग अलग करके लिखेंगे। तो तीन फैक्टर्स आपके पास यहाँ पर ये आ गए पॉलिनोमियल गिवन जो इक्वेशन थी उसके, और यही आपका फाइनल आंसर आएगा। इसको हाईलाइट कर दें। आपने फैक्टर थ्योरम से जितने भी फैक्टर्स पॉसिबल बनते हैं वो निकालने हैं, और ये तीन स्टेप में आपके पास फैक्टर थ्योरम कंप्लीट होता है। ये आपका जो सवाल मैंने डिस्कस करा है ये मेथड है। यहां तक किसी को कंफ्यूजन? अब यहां पर हम आज अपना क्वेश्चन नंबर वन डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट क्लास में मैंने क्वेश्चन नंबर टू उसमें करेक्शन करवा के करवाया था, तो टू और फिफ्थ क्वेश्चन दोनों एक ही हो गए थे, एक जैसे ही थे। क्वेश्चन नंबर टू के अंदर एंड में आपके पास अगर दिल चाहता है उसको किसी और तरीके से करने का, तो आपने क्वेश्चन नंबर टू को एंड में जो माइनस वन गिवन है उसको प्लस वन कर दें, तब भी सॉल्व हो जाएगा। लेकिन आपके पास क्वेश्चन नंबर टू का जो आंसर किताब वाला है वो हमने लास्ट टाइम जो डिस्कस किया उसके अंदर क्लियर कर लिया था। क्वेश्चन नंबर वन आपके पास ये गिवन है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन। सोल्यूशन की आपने ब्लू मार्कर से हेडिंग डालनी है, दिल चाहे तो अंडरलाइन ब्लैक मार्कर से कर लें। लेट करेंगे उसके बाद के पी एक्स पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ एक्स आपकी ये गिवन है, जो सवाल इटसेल्फ उसको इक्वेशन वन कह दें। अब आपने अपने फैक्टर थ्योरम में तीन स्टेप के अंदर आंसर देना होता है। फैक्टर थ्योरम से पहले आपकी किताब ने आपको सिंथेटिक और उससे पहले आपको रिमाइंडर थ्योरम सिखाया, वो इसी वजह से कि पहला स्टेप रिमाइंडर थ्योरम का है, दूसरा स्टेप आपका सिंथेटिक डिवीजन का है। तो आपके स्टेप वन में जो रिमाइंडर थ्योरम का मेथड था वही आपने किया, पुट एक्स इज इक्वल टू वन इन इक्वेशन वन। अब यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू वन ही क्यों पुट कर रहे हैं, इसको देखने का एक और तरीका होता है कि जो कॉन्स्टेंट है इसके हम फैक्टर देखते हैं क्या होंगे, वन का फैक्टर क्या हो सकता है, वन ही होगा। अगर लेट सपोज मैं एक रैंडम आपको सवाल दे रहा हूँ, आगे हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पर सिक्स आता तो सिक्स के फैक्टर क्या होंगे, टू मल्टीप्लाई बाय थ्री मल्टीप्लाई बाय वन, इन तीनों में से प्लस माइनस टू प्लस माइनस थ्री या प्लस माइनस वन कोई भी एक पुट करेंगे आंसर जीरो आना चाहिए, अगर ये आपका फैक्टर होगा तो, यानी रिमाइंडर जीरो आएगा तो। अगर आपके पास फाइव होता है इस कॉन्स्टेंट की जगह तो फाइव के फैक्टर क्या होंगे, फाइव और वन, तो आइदर वन पुट करने पर और फाइव पुट करने पर आपके पास यहाँ पर जीरो आएगा रिमाइंडर, अगर तो ये फैक्टर्स आपके होंगे। तो अगर आपके पास प्रॉपर फैक्टर है यानी इक्वेशन आपकी प्रॉपर एग्जैक्टली डिवाइड हो रही है, तो एक्स इज इक्वल टू वन इस केस में पुट करने पर आपके पास यहाँ पर जो इक्वेशन वन है जहां पर भी एक्स था वहां पर आपने वन पुट किया, अब वन का क्यूब भी वन है, वन का स्क्वायर भी वन, वन सिंपल इटसेल्फ, तो आपके पास सारी वैल्यूज आपस में कैंसिल आउट होंगी, एंड में आंसर जीरो आएगा। जब हमारे पास वैल्यू पुट करने पर आंसर जीरो आता है तो हम कहते हैं उसका रिमाइंडर भी जीरो होगा, और अगर रिमाइंडर जीरो है तो हम कहते हैं हेंस जो हमने वैल्यू पुट की, यहाँ इस केस में वन पुट की, वन विल बिकम द रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल इक्वेशन, यानी कि वन इज अ रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ एक्स जो आपको सवाल में गिवन है। अगर वन आपका रूट है तो आप कह सकते हैं कि एक्स माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल इक्वेशन। आपका रूट और फैक्टर पीछे कॉन्सेप्ट में क्लियर कर चुका हूं। फैक्टर आपके पास एक्स माइनस वन है, इसको इक्वल टू जीरो करें यानी एक्स इज इक्वल टू प्लस वन,
ये आपका कहलाता है जो आंसर है रूट, और ये जो आपके पास ब्रैकेट है ये कहलाता है फैक्टर। तो यहां पर आपके पास इस तरीके से रिमाइंडर थ्योरम वाला जो काम आपने पीछे सीखा था वो स्टेप वन में किया। अब यहां से आपको एक फैक्टर मिल गया, आपके एक्स के तीन फैक्टर्स बनेंगे, एक्स के तीन आंसर्स आएंगे, एक्स के तीन रूट होंगे, उसमें से एक रूट एक आंसर आपने आइडेंटिफाई कर लिया, तो एक फैक्टर आपको मिल गया। अब आगे दो फैक्टर्स और चाहिए, तो उसके लिए आप सेकंड स्टेप पे आएंगे, दैट इज सिंथेटिक डिवीजन मेथड। आप कहेंगे डिवाइड करें इस पॉलिनोमियल इक्वेशन को बाय एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन से डिवाइड करें क्योंकि इस इक्वेशन का फैक्टर एक गिवन है, तो आप उसी से डिवाइड करेंगे। फैक्टर है तो मतलब उसका रिमाइंडर भी जीरो आना चाहिए, तो आप डिवाइड करेंगे अपने पॉलिनोमियल इक्वेशन को जो फैक्टर एक्स माइनस वन इस सवाल में आपने निकाला, टू फाइंड अदर टू फैक्टर्स, ताकि जो दूसरे फैक्टर्स हैं दो मजीद वो आ जाएं। तो अदर टू फैक्टर्स के लिए आप कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, बाय सिंथेटिक डिवीजन मेथड। सिंथेटिक डिवीजन मेथड आपको करना आता है, आपने इस तरीके से लाइन ड्रॉ की, जो आपकी यहाँ पर इक्वेशन गिवन थी इसके कोफिशियंट और कॉन्स्टेंट आपने सिर्फ लिखने हैं, तो एक्स क्यूब का कोफिशियंट वन, एक्स स्क्वायर का माइनस वन, एक्स का प्लस वन और कॉन्स्टेंट माइनस वन, ये आपके कोफिशियंट और कॉन्स्टेंट था। फिर आपने पहला आपका जो कोफिशियंट है वो एज इट इज नीचे आ जाता है, ये रूट है वन आपने जो लिखा वो यहाँ पर आपने रूट आइडेंटिफाई किया था वो है, इस वन को आपने इस वन से मल्टीप्लाई किया वन आंसर आया, माइनस वन प्लस वन जीरो, वन मल्टीप्लाई बाय जीरो जीरो आंसर आया वो यहाँ लिखा, वन प्लस जीरो वन होता है, वन मल्टीप्लाई बाय वन वन आया, माइनस वन प्लस वन जीरो होगा। तो आपके पास यहाँ पर रिमाइंडर जीरो आ गया, तो आप कहेंगे देयरफॉर कोशेंट, क्योंकि आपको कोशेंट मालूम करना है, कोशेंट आपको मैंने बताया था यहाँ पर इस वैल्यू की एक्स की पावर जीरो होती है, इधर एक्स की पावर वन मल्टीप्लाई होती है और इधर एक्स की पावर टू मल्टीप्लाई होती है, तो वन एक्स की पावर टू प्लस जीरो एक्स की पावर वन प्लस वन एक्स की पावर जीरो, वन एक्स की पावर जीरो इटसेल्फ वन ही होता है, तो इसको हम कहते हैं ये कॉन्स्टेंट है, तो प्लस वन ये कॉन्स्टेंट हुआ, जीरो एक्स जीरो ही होता है वो मेंशन नहीं कर रहे, वन हम मेंशन नहीं करते एज अ कोफिशिएंट, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन इसका कोशेंट आ गया। अब आपके पास यहाँ पर जब कोशेंट आ गया तो इसका मतलब हेंस अदर टू फैक्टर्स आपके आ गए विच आर एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन नजर एक ही आ रहा है लेकिन इटसेल्फ एक्स के पावर टू रिप्रेजेंट कर रही है कि एक्स के दो आंसर यहाँ पर आएंगे, तो एक्स के दो आंसर है मतलब दो फैक्टर होंगे। तो स्टेप थ्री आपका होता है कि आपकी जो इक्वेशन है जो सवाल में गिवन था उसको अब आप कहेंगे कि सिंस इक्वेशन वन आपकी ये गिवन थी तो देयरफॉर मैं कह सकता हूं कि ये जो इक्वेशन है वो एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन के बराबर है, अगर आपको दिल चाहता है इसको मल्टीप्लाई कर लें आपके पास वही ऊपर वाला आंसर आ जाएगा। तो ये आपके फैक्टर थ्योरम के मुताबिक आपने फैक्टर्स अलग कर दिए अपनी इक्वेशन जो सवाल में गिवन थी इक्वेशन वन के, क्लियर है यहां तक। अब आपका थर्ड पार्ट डिस्कस कर रहा हूं, यहां पर आपके पास तरीके का सबका सेम ही है, इसको जल्दी से समझा रहा हूँ इसमें टाइम नहीं लगा रहे, सॉल्यूशन की एडिंग डालनी है उसी सारे पैटर्न पे सॉल्व करना है। लेट किया आपकी पी एक्स पॉलिनॉमियल इक्वेशन ऑफ एक्स ये है, ये सवाल गिवन है इसको इक्वेशन वन कहा। अब उसके बाद आपने कहा स्टेप वन आपके पास एक्स इज इक्वल टू वन पुट करें इक्वेशन वन में, तो आपके पास वन पुट करने पर जहां पर भी इक्वेशन में एक्स था वहां वन पुट किया, तो वन का क्यूब वन, वन का स्क्वायर वन ही होगा मल्टीप्लाई बाय सिक्स, वन इंटू इलेवन इलेवन माइनस सिक्स एज इट इज, सिक्स इंटू वन सिक्स आपका होगा, तो वन माइनस सिक्स प्लस इलेवन माइनस सिक्स, सिक्स और सिक्स दोनों नेगेटिव है माइनस ट्वेल्व, इलेवन प्लस वन प्लस ट्वेल्व जीरो आंसर आया। तो आपके पास रिमाइंडर जीरो आया, इसका मतलब हेंस वन आपका यहाँ पर रूट है, ये आपको आइडेंटिफाई करना होता है स्टेप वन में, तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि इसका रूट क्या होगा, जब रूट पता चल गया तो आप कह सकते हैं देयरफॉर एक्स माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल इक्वेशन। आपने जब यहाँ पर एक फैक्टर निकाल लिया तो अब सेकंड स्टेप पे आते हैं ताकि अदर टू फैक्टर्स जो आपके हैं वो आइडेंटिफाई कर लें। तो यहाँ पर आपने डिवाइड करनी पॉलिनोमियल इक्वेशन एक्स माइनस वन से ताकि जो अदर टू फैक्टर्स आपके रिमेनिंग है वो आ जाए बाय सिंथेटिक डिवीजन मैथड। सिंथेटिक डिवीजन मैथड वही आपका यहाँ पर एक्स क्यूब का कोफिशियंट वन, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट माइनस सिक्स, एक्स का कोफिशियंट इलेवन और कॉन्स्टेंट आपके पास माइनस सिक्स है, वन एज इट इज नीचे, रूट वन था, वन इंटू वन वन, माइनस सिक्स प्लस वन माइनस फाइव, माइनस फाइव इंटू वन माइनस फाइव, प्लस इलेवन प्लस सिक्स, सिक्स इंटू वन सिक्स माइनस सिक्स जीरो। आपके पास सिंथेटिक डिवीजन डिटेल में पीछे हम डिस्कस कर चुके, तो अब क्वेश्चन क्या होगा एक्स की पावर जीरो, एक्स की पावर वन, एक्स की पावर टू, तो वन एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स, ये आपका क्वेश्चन आ गया, वन हम मेंशन नहीं करते,
तो आपके पास यहाँ पर अब ये क्वेश्चन आ गया, आप कहेंगे हेंस अदर टू फैक्टर्स आर दीज, यहाँ पर दो फैक्टर्स छुपे हुए हैं, ये आपकी इक्वेशन इसके अंदर दो फैक्टर्स आएंगे। अब आप स्टेप थ्री पे आएंगे, कहेंगे सिंस इक्वेशन वन आपकी ये थी जो सवाल इटसेल्फ गिवन था, देयरफॉर आपकी पॉलिनोमियल इक्वेशन एक्स माइनस वन इंटू जो क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स, वो आप इस तरीके से लिखेंगे, जब इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाली इक्वेशन आ जाएगी। आपको नजर आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स, ये इटसेल्फ मिडिल टर्म ब्रेक से सॉल्व हो सकता है, तो आप मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे, सिक्स इंटू वन सिक्स आपका होता है और बीच में प्लस साइन है तो मिडिल टर्म के बीच में भी प्लस साइन आएगा, और थ्री टू जर आपके सिक्स होते हैं तो थ्री प्लस टू फाइव मिडिल टर्म आ गई, तो मिडिल टर्म यहाँ पर मैं डिटेल में नहीं समझा रहा, आपको आती है पीछे से, तो थ्री प्लस टू मिडिल टर्म फाइव आ गई और थ्री इंटू टू सिक्स होते हैं और सिक्स इंटू वन भी सिक्स ही होता है। एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस प्लस माइनस टू एक्स प्लस सिक्स, ये आपकी मिडिल टर्म ब्रेक आपने कर दी, नीचे जगह खत्म हो गई तो मैंने कोने पे किया हुआ है। अब आपके पास एक्स माइनस वन तो है, आपके इन दो वैल्यू में एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स में एक्स कॉमन है, आपने वहां पर एक्स कॉमन लिया, माइनस टू कॉमन है तो माइनस टू कॉमन लिया। अब अगर लाइन खत्म हो जाए तो दोनों तरफ सेम साइन आप लिखते हैं और फिर उसके बाद अगली लाइन से कंटिन्यू करते हैं। टू कॉमन लेने पर माइनस टू कॉमन लेने पर यहाँ इन वैल्यू से आपके पास एक्स माइनस थ्री पीछे रह जाएगा, तो एक्स माइनस थ्री दोनों आप कॉमन आ गए, तो एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस टू, फिर अरेंजमेंट के खातिर आप इसको एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री लिख दें, अदरवाइज ये कर्ली ब्रैकेट अगले स्टेप में हटा रहे तब भी आंसर एक्सेप्टेबल था, लेकिन जब हमारे पास नजर आ रहा है तो अरेंजमेंट की वजह से हम एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू और एक्स माइनस थ्री करके लिखेंगे। यहाँ पर जो आपकी इक्वेशन शुरू में गिवन थी इसको आपने फैक्टर थ्योरम से फैक्टर्स बना दिए और वहां पर आपको तीन फैक्टर नजर भी आ रहे हैं, तो आपके तीन फैक्टर्स इस फैक्टर थ्योरम से बाय फॉलोइंग दीज थ्री स्टेप्स आंसर आएगा। ये एक दफा दोबारा समझा रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट को मसला है कि यहाँ पर हमें कैसे पता चल रहा है कि एक्स की वैल्यू क्या पुट करनी है, तो उसका एक तरीका है कि आप रैंडम आइट्रेशन करें अपनी मर्जी से, एक्स इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू वन, एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, एक्स इज इक्वल टू प्लस टू, फिर माइनस टू, अपनी मर्जी से पुट करें, जिसमें आंसर जीरो आ गया तो आप कहेंगे कि ये इसका फैक्टर या ये इसका रूट आ गया, लेकिन इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं हम देख रहे हैं, हम इतने लंबे चौड़े प्रोसीजर पर नहीं जा रहे। आपको सिंपल सा मैंने एक ट्रिक बताई है कि एंड में जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको देखें, कांस्टेंट वैल्यू के फैक्टर बना लें, सिक्स का फैक्टर क्या है, टू इंटू थ्री सिक्स होता है और मल्टीप्लाई बाय वन, ये भी सिक्स ही देगा, तो आइदर प्लस माइनस वन पुट करने से, आइदर का मतलब या तो प्लस वन या माइनस वन, या तो प्लस थ्री या माइनस थ्री, या प्लस टू या माइनस टू, इन छह में से कोई एक वैल्यू पुट करने पर आपके पास आंसर जीरो आना चाहिए। तो अगर आपके पास यहां पर मैंने वन पुट किया और पहले ही जीरो आ गया, मैं अगली वैल्यूज पुट नहीं करूंगा। अगर मैं यहां पर फॉर एग्जांपल प्लस टू पुट करता तब भी आंसर जीरो आ जाता, क्योंकि यहां पर एक फैक्टर एक्स माइनस टू भी है, तो एक्स इज इक्वल टू प्लस टू, अगर इसका इटसेल्फ रूट है, टू इज अ रूट, तो मैं टू पुट करता तब भी आंसर जीरो आता, लेकिन फिर मैं वन और थ्री पुट नहीं करता, कोई एक पुट करना है तो हम स्टार्ट वन से करते हैं। तो अगर मेरे पास यहाँ पर वन पुट करने पर आंसर जीरो आ गया, तो बाकी के जो रूट्स हैं, बाकी की जो फैक्टर्स हैं, वो मैं दूसरे स्टेप और तीसरे स्टेप में निकाल लूंगा, ठीक है। यहाँ पर आप तुक्के नहीं मार रहे, यहाँ पर आपको प्रॉपर स्टेप बता दिया, ये आपको खुद पता होगा कि इसके फैक्टर्स क्या हैं, और उन फैक्टर्स को देखते हुए आप वैल्यू वन बाय वन पुट करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम द लोएस्ट वैल्यू दैट इज वन, तो वन पुट करें, आंसर यानी रिमाइंडर जीरो आ गया, डायरेक्ट कह दें दैट इज द रूट और वो उसका फैक्टर है। क्लियर है यहाँ तक? अब आप लोगों को मैं होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ, यहाँ तक जितने भी करवा दिए ये सारे आपने होमवर्क में बाकी करने, क्योंकि सबका पैटर्न सब कुछ सेम है, तो जितने भी क्वेश्चंस आगे हैं आपके क्वेश्चन नंबर 12 तक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 तक जितना भी काम है ये आप लोगों का होमवर्क है। नेक्स्ट क्लास में फिर इस होमवर्क को मैं डिस्कस करूंगा जिसमें आपको डिफिकल्टी होगी। अस्सलाम वालेकुम क्लास, चले अब आप लोगों के आज रिमेनिंग होमवर्क क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास ये सवाल गिवन है, यहाँ पर आपको सोल्यूशन की एडिंग डालनी है ब्लू मार्कर से, अंडरलाइन करना है ब्लैक मार्कर से, फिर लेट करेंगे, पॉलिनोमियल इक्वेशन आपको ये गिवन है, इसको इक्वेशन वन कह लें। अब स्टेप वन आपके पास रिमाइंडर थ्योरम का है, पुट एक्स इज इक्वल टू टू इन इक्वेशन वन, आपके पास जहां पर भी एक्स है इक्वेशन वन में वहां पर टू पुट कर दें। ये टू कैसे पुट करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा, लास्ट क्लास में बताया था कि 20 को
अगर आप फैक्टराइज करें तो 20 आ गया, बेसिकली 5 इंटू टू 10 इंटू टू 20 इंटू वन 20, तो या तो प्लस माइनस वन या प्लस माइनस टू या प्लस माइनस फाइव पुट करने पर, किसी एक पुट करने पर इनमें से 6 में से कोई भी एक वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आपका 0 के बराबर आएगा। तो हमें कोई एक आइडेंटिफाई करना है, तो आपके पास प्लस टू पुट करने पर, माइनस टू पुट करने पर भी और माइनस फाइव पुट करने पर ये 0 आ सकता था, हमें कोई एक पुट करना था यहाँ पर वैल्यू को। तो हमने अज्यूम किया एक्स इक्वल टू टू, पुट करने पर 2 का क्यूब प्लस 5 एक्स स्क्वायर की जगह 2 का स्क्वायर माइनस 4 एक्स, एक्स की जगह 2 माइनस 20 अपनी जगह, 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर 4 और 2 इंटू 4 8, 4 इंटू 5 20, तो 8 प्लस 20 माइनस 8 माइनस 20 आपस में सब कैंसिल आउट हो गए, आपका एंड में आंसर 0 आ गया। जब यहां पर वैल्यू 0 आ गई तो आप कहेंगे कि हेंस 2 इज द रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल इक्वेशन। तो अगर 2 आपका रूट है तो हम कह सकते हैं देयरफॉर एक्स माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल इक्वेशन। तो हमें जब 2 रूट पता चल गया तो रूट से हम फैक्टर आराम से निकाल सकते हैं। अब ये एक फैक्टर हमें मिल गया, अब स्टेप 2 पे आएंगे। स्टेप 2 में हमें जो बकिया 2 फैक्टर्स हैं वो मालूम करने, तो हम क्या करेंगे, जो फैक्टर हमें मिला इसको डिवाइड करवा देंगे, डिवाइड करेंगे पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ एक्स को बाय दिस फैक्टर जो यहाँ पर एक्स माइनस टू आपने निकाला, तो एक्स माइनस टू से डिवाइड करें टू फाइंड द अदर टू रिमेनिंग फैक्टर्स बाय सिंथेटिक डिवीजन मेथड। आप सिंथेटिक डिवीजन मेथड अप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1, एक्स स्क्वायर का 5, एक्स का माइनस 4 और कॉन्स्टेंट माइनस 20, 1 एज इट इज नीचे, 2 इंटू 1 2, 5 प्लस 2 7, 7 इंटू 2 14, 14 माइनस 4 10, 10 इंटू 2 20, तो 20 माइनस 20 आपके पास 0 आंसर आएगा। जब आपके पास रिमाइंडर 0 है तो आपको कोशेंट यहां पर निकालना है। कोशेंट आपके पास एक्स की पावर 0, एक्स की पावर 1, एक्स की पावर 2 मल्टीप्लाई होगा इन नंबर्स के साथ, तो 1 एक्स स्क्वायर प्लस 7 एक्स प्लस 10, क्योंकि एक्स की पावर 0 1 ही होता है तो हम उसको कॉन्स्टेंट कहते हैं, 10 यहाँ पर कॉन्स्टेंट की तरह डील करेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 एक्स प्लस 10 ये आपका कोशेंट आ गया। तो अदर टू फैक्टर्स आपके ये हैं। अब एक्स स्क्वायर प्लस 7 एक्स प्लस 10 आपके अदर टू फैक्टर्स हैं। ये दो फैक्टर्स एक इक्वेशन में मिक्स हुए हैं, छुपे हुए हैं। तो आप कहेंगे स्टेप 3 आपके पास, सिंस इक्वेशन 1 ये थी, इस इक्वेशन 1 को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ कि जो दोनों फैक्टर्स, मैंने एक फैक्टर यहाँ निकाला और दो फैक्टर्स यहाँ निकाले, इन दोनों ब्रैकेट को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो ऊपर वाली इक्वेशन आ जाएगी वापस। दिल चाहे तो आप इसको करके सॉल्व देख सकते हैं, ऊपर वाली ही इक्वेशन आएगी। तो एक्स माइनस टू मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 7 एक्स प्लस 10 से। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो मिडिल टर्म ब्रेक होते हुए नजर आएगी, जहां मिडिल टर्म ब्रेक होते हुए नजर नहीं आ रही वहां आप उसको छोड़ दें, लेकिन जहां पर हो रही है वहां पर आपको मिडिल टर्म ब्रेक करनी है। तो आपके पास 10 इंटू 1 10 होता है और 5 इंटू 2 ये भी 10 के बराबर है, बीच में प्लस साइन है ब्रैकेट के, तो 5 प्लस 2 मिडिल टर्म 7 है, मिडिल टर्म ब्रेक आपने कर ली, तो 7 की जगह आप 5 प्लस 2 लिखेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स 5 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 10, ये आपने मिडिल टर्म ब्रेक कर ली। इन दोनों के पास x कॉमन है, इन दोनों के पास प्लस 2 कॉमन है, तो यहां से x कॉमन लेने पर x प्लस 5, इधर से प्लस 2 कॉमन लेने पर x प्लस 5। अब इन दोनों के पास x प्लस 5 कॉमन है तो x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 2। मिडिल टर्म ब्रेक करना पीछे हमने काफी डिटेल में सीखा हुआ है, काफी प्रैक्टिस की है, तो आप सबको ये मिडिल टर्म ब्रेक करना आनी चाहिए। तो अब कर्ली ब्रैकेट आपने हटाने, अब क्योंकि कर्ली ब्रैकेट हटा रहे हैं तो हम अपनी सीक्वेंस भी प्रॉपर कर दें, एक्स माइनस टू के साथ हम एक्स प्लस टू लिख देंगे और फिर एंड में एक्स प्लस फाइव लिख देंगे। तो हमारी जो गिवन इक्वेशन थी, जो इक्वेशन 1 सवाल में गिवन थी, ये इक्वेशन आपकी यहाँ पर 3 फैक्टर्स में अलग अलग आपने ब्रेक कर दी बाय यूजिंग दिस फैक्टर थ्योरम। अब यहाँ पर हम सिक्स्थ पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। सिक्स्थ पार्ट में आपके पास ये इक्वेशन गिवन है एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 एक्स माइनस 18। अब यहाँ पर आपके पास सोल्यूशन उसी तरीके से, वो सारे लवाजमात आपने खुद पूरे करने, ये आपने पी एक्स के बराबर लेट करना है, इसको इक्वेशन 1 कह दें। स्टेप 1 क्या है, पुट करेंगे एक्स की वैल्यू, तो यहाँ पर आपने एक्स की वैल्यू 2 पुट करनी है। कैसे, 18 के फैक्टर्स बना लें, 3 इंटू 3 9, 9 टू 18 और मल्टीप्लाई बाय 1 इटसेल्फ 18। तो आपके पास प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2 या प्लस माइनस 3, इन 6 में से कोई एक पुट करने पर आंसर 0 आएगा। तो मैंने यहाँ पर x इक्वल टू 2 पुट किया आपके पास इक्वेशन 1 में, तो जहां पर भी x था वहां पर आपने 2 पुट किया, 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर 4, 2 इंटू 9 18, तो 8, ये आ गया 4 इंटू 2 8,
+18 और -18, एंड में आंसर आपका 0 ही आएगा। जब हमारे पास एंड में आंसर 0 आ गया तो हम कहेंगे कि इसका रिमाइंडर 0 है, और जब रिमाइंडर 0 है यानी कि आपका 2 इज द रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल इक्वेशन। अगर 2 आपका रूट है इस पॉलिनोमियल इक्वेशन का तो हम कहेंगे देयरफॉर x -2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल इक्वेशन। अब यहां पर हमारे पास एक फैक्टर आ गया, बकिया मजीद दो फैक्टर्स निकालने के लिए आप सिंथेटिक डिवीजन मेथड अप्लाई करेंगे। तो आपने पी एक्स को पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ एक्स को डिवाइड करना है एक्स माइनस टू से, तो आपके पास बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन मेथड जो सवाल है एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1, एक्स स्क्वायर का -2, एक्स का +9 और कॉन्स्टेंट -18, 2 आपके पास रूट है, 1 एज इट इज नीचे, 2 इंटू 1 2, -2 0, 0 इंटू 2 0, 9 प्लस 0 9, 9 इंटू 2 18, 18 -18 0। सिंथेटिक डिवीजन मेथड आपने अप्लाई किया, रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो आप कहेंगे इसका कोशेंट एक्स की पावर 0, 1 और एक्स की पावर 2 मल्टीप्लाई होंगे, तो 1x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 9। तो हम इसको सही से लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 9, क्योंकि 0 आपके पास 0 ही होता है, वो लिखने की जरूरत नहीं, और कोफिशियंट एज अ 1 हम यूज नहीं करते। तो आप कहेंगे हेंस द अदर टू फैक्टर्स आर एक्स स्क्वायर, यहां पर ही मैंने सही नहीं किया, पिछले सवाल के लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 9। तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 आपके यहाँ पर दो फैक्टर्स आ गए। अब स्टेप 3 में आप जाएंगे और कहेंगे कि सिंस इक्वेशन 1 आपकी ये गिवन थी, तो आप इस इक्वेशन को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 9 इंटू एक्स माइनस 2, यानी एक्स माइनस 2 जब इससे एक्स स्क्वायर प्लस 9 से मल्टीप्लाई करेंगे वापस ऊपर वाली इक्वेशन आ जाएगी। यहां पर ये मजीद सॉल्व नहीं हो रहा क्योंकि यहां पर कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा, कोई आपकी मिडल टर्म ब्रेक नहीं हो रही, तो इधर आप आंसर दे देंगे, लेकिन किताब ने यहां पर आंसर कुछ और दिया हुआ है। आपको किताब वाला अगर आंसर चाहिए तो इधर साइन चेंज कर लें, -9x और +18 कर लें। तो अगर आप यहाँ पर -9x और +18 करेंगे तो आपके मैं इक्वेशन वैसे ही सॉल्व करके दिखा देता हूँ जो आंसर किताब पे, एक्स क्यूब -2x² -9x +18। इधर आपके पास एक्स स्क्वायर कॉमन है तो एक्स -2, इधर -9 कॉमन है तो एक्स -2, एक्स -2 कॉमन ले लें, आपके पास एक्स स्क्वायर -9 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर -9 बेसिकली यहां पर लिख रहा हूं, बाकी एक्स -2 इंटू एक्स स्क्वायर -9, एक्स स्क्वायर -3 का स्क्वायर है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर -b² अप्लाई करें, आपके पास यहां पर किताब वाला आंसर आ जाएगा। लेकिन क्योंकि हम इस मेथड से किताब के इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहे, ये जो आपकी एक्सरसाइजेस में फैक्टर थ्योरम अप्लाई करना है, तो मैंने आपको बता दिया कि इस तरीके से आपका आंसर किताब वाला आ जाएगा। आप इसी इक्वेशन को बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि इस तरीके से भी डायरेक्ट सॉल्व हो रही थी तो आंसर मैंने आपको कंफर्म कर दिया है, मेथड चेंज कर लें आंसर वही आएगा। तो फैक्टर थ्योरम अप्लाई कर लें इस सवाल पे तो किताब वाला आंसर आ जाएगा। अगर आपसे फैक्टर थ्योरम बोला गया है कि आपने बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम सॉल्व करना है तो आप ये वाला मेथड अप्लाई नहीं कर सकते, आपको ये सवाल जो अभी पीछे पूरा फैक्टर थ्योरम का मेथड 3 स्टेप में किया आपको वैसे ही सॉल्व करना पड़ेगा, तो आंसर किताब वाला आ जाएगा। क्योंकि हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं आंसर नहीं देख रहे, तो हमारे पास आंसर इस क्वेश्चन को चेंज करने से आ जाएगा जो किताब का है। चले हम अपने नेक्स्ट पार्ट पे आ जाए, 7th पार्ट आपके पास 6x³ प्लस 7x² -x - 2, ये सवाल है, इसको आप इक्वेशन 1 कहेंगे। आपने इस वैल्यू में इक्वेशन 1 में x इज इक्वल टू -1 पुट करना है, क्योंकि -2 का मतलब 2 इंटू 1, तो +-1 +-2 इन चार में से कोई एक आपके पास 0 पुट करने, 0 आपके पास वैल्यू आ जाएगी, तो x इज इक्वल टू -1 पुट करें, आपके पास जहां पर भी x है वहां पर -1 आएगा, तो -1 का क्यूब -1, -1 का स्क्वायर +1 होगा, क्योंकि आपने पढ़ा है नेगेटिव बेस हैविंग इवन पावर और नेगेटिव बेस हैविंग ऑड पावर में क्या चेंजेस होते हैं। तो अगर मेरे पास अंदर नेगेटिव बेस और बाहर इवन नंबर है पावर में, तो आपके पास वो नेगेटिव साइन प्लस में कन्वर्ट होता है, और जो ऑड नंबर है उसमें नेगेटिव ही रहता है, तो -1 ये +1, -1 इस तरीके से ये कन्वर्ट हो गया, -1 × 6 -6, 7 × 1 7, और 1 -2 अपनी जगह, सॉल्व करें एंड में टोटल आपके पास वैल्यू 0 आ जाएगी। तो आप कहेंगे हेंस -1 आपके पास रूट है ऑफ योर गिवन पॉलिनोमियल इक्वेशन, देयरफॉर एक्स प्लस 1 विल बी द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल इक्वेशन। अब अगर मेरे पास फैक्टर आ गया तो
तो मैं सेकंड स्टेप में जाऊंगा और सिंथेटिक डिवीजन मेथड के थ्रू कहूंगा कि पी एक्स को मैं डिवाइड करवा रहा हूँ एक्स प्लस वन से, तो मेरी इक्वेशन वन जो पी एक्स है उसके कोफिशियंट और कॉन्स्टेंट 6, 7, -1 और -2 ये है। मेरे पास रूट माइनस वन है, 6 एज इट इज नीचे, -1 into 6 -6, 7 -6 +1, 1 into -1 -1 -1 -1 -2 -2 into -1 -1 -2 -2 into 1 2, तो -2 + 2 0, एंड में रिमाइंडर जब 0 आ गया तो आप कहेंगे क्वेश्चन आपके पास x^0, x^1, x^2 मल्टीप्लाई करने पर 6x² + 1x - 2, तो आपके पास 6x² + x - 2, ये आपके अदर रिमेनिंग 2 आपके पास फैक्टर्स आ गए। तो अदर जो फैक्टर्स थे दो आपके वो इसके अंदर छुपे हुए। अब आपने कहना है अपने थर्ड स्टेप में पॉलिनॉमियल इक्वेशन ऑफ एक्स आपके पास ये गिवन है, तो हम कह सकते हैं कि ये पूरी इक्वेशन एक्स प्लस वन एक फैक्टर ये मल्टीप्लाई बाय दो फैक्टर्स ये 6x + x - 2 इसके बराबर हो जाएंगे। मल्टीप्लाई कर लें दोनों ब्रैकेट्स को, आपके पास आंसर ऊपर वाले ही आ जाएगा। तो यहां पर 6x² + x - 2 मिडिल टर्म ब्रेक हो रही है, 2 × 6 = 12 और 4 × 3 = 12 होते हैं, बीच में माइनस साइन आएगा तो 4 - 3 = 1, वापस मिडिल टर्म आपकी आगे ब्रेक हो गई। तो 6x² + 4x - 3x - 2 आपने इस तरीके से अपनी मिडिल टर्म को ब्रेक कर दिया। इन दोनों के पास 2x कॉमन है और इधर से 2x कॉमन लूंगा तो 3x, यहां से 2x कॉमन लूंगा तो +2 पीछे रह जाएगा। सिमिलरली यहां से -1 कॉमन लेंगे जबरदस्ती क्योंकि सिर्फ -1 ही कॉमन है, तो 3x + 2 पीछे रह जाएगा। अब दोनों के पास 3x + 2 कॉमन है, 3x + 2 आपने यहां पर लिखा, 2x - 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, एंड में आप कर्ली ब्रैकेट हटा दें तो x + 1 × 3x + 2 × 2x - 1 ये तीन फैक्टर्स आ गए, यानी कि 3x की वैल्यूज आपके पास इधर से आ सकती हैं क्योंकि आपके पास यहाँ पर पावर मैक्सिमम 3 थी, तो पॉसिबल आंसर्स भी 3 ही आने थे। तो ये आपका पार्ट इस तरीके से हो गया बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। चले अब यहाँ पर आप लोगों के आज क्वेश्चन नंबर 8 से जो बाकी पीछे रह गए थे सवाल वहां से स्टार्ट कर रहे हैं, उन क्वेश्चन को देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास ये गिवन है, सबसे पहले तरीकेकार वही है जैसा पिछले सवाल में था, लेट करेंगे पी एक्स पॉलिनॉमियल इक्वेशन ऑफ एक्स आपकी इक्वेशन वन है, ये गिवन है। स्टेप वन रिमाइंडर थ्योरम वाला, पुट करना एक्स की वैल्यू यहाँ इस केस में -1 क्योंकि आपको मैंने ट्रिक समझाई थी कि 12 के आप फैक्टर्स बना लें, 12 आपका 2 × 2 = 4 × 3 = 12 और मल्टीप्लाई बाय 1 सबके साथ मल्टीप्लाई होता है, 1 सबका एक फैक्टर होता ही है। तो +1 + -2 + -3 किसी एक को पुट करने से आपका आंसर आ जाएगा। कभी कभार 2 × 2 = 4 ये भी एक फैक्टर है, तो 4 भी आपका फैक्टर हो सकता है। तो यहाँ पर -1 पुट करते वक्त आपके पास वैल्यू सॉल्व करने पर 0 आ गई, तो आपने पहले स्टेप में स्टेप वन में पुट किया x = -1 इक्वेशन वन में, जहां पर भी x था वहां -1 पुट किया, -1 का क्यूब -1 -1 का स्क्वायर + 1 -1 × +19 -19 और फिर +1 × 8 + 8, तो -1 + 8 - 19 + 12 ये आपस में सॉल्व हो गया, एंड में आंसर आपको 0 देंगे। अब जब आंसर आपके पास 0 आ गया तो आप कहेंगे कि क्योंकि आपका -1 पुट करने पर आंसर 0 आया, दैट मींस कि आपका -1 इज अ रूट ऑफ दिस पॉलिनॉमियल इक्वेशन और x + 1 विल बिकम द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनॉमियल इक्वेशन। आपका -1 उधर भेज दें, x = -1 की जगह x + 1 = 0 जाएगा। जो x + 1 है ये फैक्टर है, पीछे काफी डिटेल में हम सीख चुके हैं, और जब भी ये 0 आता है इसका मतलब यहाँ पर रिमाइंडर आपके पास पूरी इक्वेशन का -1 पुट करने पर 0 आएगा। तो सेकंड स्टेप पे फिर हम आते हैं, सेकंड स्टेप आपके पास सिंथेटिक डिवीजन मेथड है, आप अपनी पॉलिनॉमियल इक्वेशन को डिवाइड करवाएंगे उस फैक्टर से जो स्टेप वन में आपने मालूम किया, x + 1 से डिवाइड करें। आपके पास यहाँ पर जो बकिया दो फैक्टर्स हैं बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन मेथड वो आ जाएंगे। सिंथेटिक डिवीजन मेथड सबको पता है, अब तक जो इक्वेशन वन गिवन है आगे x³ का कोफिशिएंट 1, x² का +8, x का +19 और कांस्टेंट +12 है। आपने यहाँ पर अपने कोफिशिएंट और कांस्टेंट लिखे, -1 रूट है, 1 ये एज इट इज आएगा नीचे, तो -1 × 1 -1 8 - 1 7 7 × -1 -7 19 - 7 12 12 × -1 - 12 12 - 12 आंसर 0 आ गया।
ये आपके पास रिमाइंडर, क्योंकि पहले ही आपको पता था जीरो आएगा, तो रिमाइंडर हमें नहीं चाहिए, हमें क्वोशेंट चाहिए। क्वोशेंट में आपके पास ये एक्स की पावर जीरो, एक्स की पावर वन और एक्स की पावर टू से मल्टीप्लाई वैल्यूज होंगी सेपरेटली। तो 1x² + 7x + 12x की पावर 0 इटसेल्फ 1 होता है, तो 12 को हम कॉन्स्टेंट कंसिडर करते हैं, 1 हम मेंशन नहीं करते कोफिशियंट के तौर पे। तो x² + 7x + 12 भी आपका कोशेंट आ गया। इस इक्वेशन में x के दो आंसर छुपे हुए, इसलिए हम कह रहे हैं कि ये दो फैक्टर्स हैं। तो आप कहेंगे हेंस द अदर टू फैक्टर्स आर, ये जो अभी हमने निकाले। अब यहाँ पर आपके नेक्स्ट स्टेप स्टेप थ्री में आते हैं। स्टेप थ्री में आपके पास यहाँ पर पॉलिनॉमियल इक्वेशन, आप कहेंगे कि ये गिवन है, सिंस पॉलिनॉमियल इक्वेशन आपके सवाल में ये गिवन है, देयरफॉर इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूं कि दोनों फैक्टर्स x+1 और ये वाले x² + 7x + 12, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके अलग अलग भी लिख सकता हूं। आप इन दोनों वैल्यूज को, इन दोनों ब्रैकेट्स को सॉल्व करें, ऊपर वाली इक्वेशन आ जाएगी। अब यहाँ पर आपको ये वाली ब्रैकेट में नजर आ रहा है कि मिडिल टर्म ब्रेक हो जाएगी, 12 × 1 = 12 होता है, 4 × 3 = 12 होता है, और 4 + 3 क्योंकि 12 के साथ जो साइन है वो प्लस साइन है, तो 4 + 3 करेंगे तो आपके पास मिडिल वैल्यू 7 वो वापस आ जाएगी। हमने काफी डिटेल में मिडिल टर्म ब्रेक करना सीखा है, तो आपने वो यूनिट भी सीखा हुआ है। तो x² + 4x + 3x + 12 ये वैल्यू आ गई। इन दोनों में आपको x कॉमन है तो x कॉमन लिया, x + 4 पीछे रह गया। इन दोनों में +3 कॉमन है तो पीछे x + 4 रह गया। अब इन दो फैक्टर्स में x + 4 कॉमन है तो पीछे x और +3 रह जाएगा, x + 4 × x + 3। यहाँ पर आप कर्ली ब्रैकेट डायरेक्ट हटा के इसी ऑर्डर में भी लिख सकते हैं, या फिर आपने पहले x+1 के साथ x+3 और फिर x+4 लिख लिया, दोनों आपके एक्सेप्टेबल हैं। तो सवाल आपके पास था कि आपने फैक्टर थ्योरम से अपने आंसर को मालूम करवाना है, यानी कि जो आपके सवाल गिवन है उसके कितने फैक्टर्स हैं विद द हेल्प ऑफ फैक्टर थ्योरम मालूम करें। तो x³ यानी कि 3 फैक्टर्स आने चाहिए, तो यहाँ पर आपने इस तरीके से इसको प्रूव कर लिया। अब यहाँ पर आप लोगों का 10th पार्ट डिस्कस कर रहा हूँ, तरीके का सोल्यूशन की हेडिंग डालनी है ब्लू मार्कर से, उसी तरीके से लेट करना है। गिवन इक्वेशन आपकी px है, इसको इक्वेशन 1 कह दिया। इस सवाल में भी x = -1 पुट करने पर आपके पास जो वैल्यू है वो 0 आ जाएगा। मैं ये पूरा नहीं बता रहा, ये आप खुद भी कर सकते हैं। तो -1 यहाँ पर आपके पास, क्योंकि वैल्यू एंड में 0 आ रही है, इसका मतलब रिमाइंडर भी 0 होगा। तो -1 आपका रूट है इस गिवन इक्वेशन का, देयरफॉर x+1 आपके पास फैक्टर आ जाएगा इस गिवन पॉलिनॉमियल इक्वेशन का। सेकंड स्टेप पे आएंगे, स्टेटमेंट वही कि आप पॉलिनॉमियल इक्वेशन को डिवाइड कर रहे हैं x+1 से, ताकि आपको जो रिमेनिंग टू फैक्टर्स हैं वो मिल जाए बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन मेथड। तो सिंथेटिक डिवीजन मेथड में आपके पास कोफिशिएंट्स 1, 7, 14 और कॉन्स्टेंट 8 गिवन है। 1 एज इट इज नीचे, -1 × 1 - 1, 7 - 1 = 6, 6 × -1 - 6, 14 - 6 = 8, 8 × -1 - 8, 8 - 8 = 0, रिमाइंडर 0 आ गया। तो जो आपका क्वेश्चन है दैट विल बी 1x² + 6x + 8, तो x² + 6x + 8 ये आपके पास वैल्यू आ गई, अदर टू फैक्टर्स आपके आ गए। थर्ड स्टेप में आप कहेंगे कि सिंस पॉलिनॉमियल इक्वेशन आपको ये गिवन थी इक्वेशन 1, इस इक्वेशन 1 को आप कह सकते हैं ये x + 1 × x² + 6x + 8 है। अब यहां पर आपको 8 × 1 = 8 और 4 × 2 ये भी 8 होते हैं, प्लस करने पर, क्योंकि 8 के साथ प्लस साइन है, प्लस करने पर आपकी वैल्यू 6 आया, तो 4 + 2 = 6 होगा, मिडिल टर्म ब्रेक हो गई। x² + 4x + 2x + 8, इन दो में x कॉमन है और इन दो में +2 कॉमन है, तो यहां से x कॉमन लिया x × x + 4, यहां से +2 कॉमन लिया x + 4। अब यहाँ x + 4 दोनों के पास कॉमन है, तो x + 4 × x + 2 अरेंजमेंट कर दें अगले स्टेप में, x + 1 × x + 2 × x + 4, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। अब आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 12 ये दो सवालात होमवर्क दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 मैं डिस्कस कर रहा हूँ, होमवर्क तो खैर सारे ही थे, लेकिन ये दो सवालात अब आप लोग करने के काबिल हैं। अब यहाँ पर आपके पास सवाल गिवन है, इस सवाल में आपको वही कंडीशन गिवन है कि आप लेट करेंगे सॉल्यूशन की, पहले तो ब्लू मार्कर से हेडिंग डालेंगे,
लेट करेंगे पी ऑफ एक्स, आपकी इक्वेशन वन ये है, पुट करेंगे इस इक्वेशन में माइनस टू, क्योंकि माइनस टू पुट करने पर आंसर जीरो आ रहा है, माइनस टू का क्यूब जहां पे भी एक्स था वहां पर माइनस टू पुट करेंगे, माइनस टू का क्यूब माइनस एट, माइनस टू का स्क्वायर प्लस फोर, माइनस टू इंटू प्लस 26 माइनस 52, सिमिलरली 4 इंटू 9 36, आपस में सॉल्व करें आपके पास आंसर जीरो आ जाएगा, जीरो का मतलब आपके पास रिमाइंडर यहाँ पर जीरो है, तो आपके पास वो वैल्यू पुट करने पर जो आपके पास इक्वेशन जीरो हो जाती है, आप कहेंगे वो आपकी वैल्यू दैट इज माइनस टू इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनॉमियल इक्वेशन, अगर माइनस टू फैक्टर सॉरी रूट है, माइनस टू इज अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन, तो माइनस टू रूट होने की वजह से एक्स प्लस टू विल बिकम द फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन, तो माइनस टू इज द रूट और एक्स प्लस टू इज अ फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन, एक फैक्टर आपने निकाल लिया। अब आप सेकंड स्टेप पे आएंगे, सेकंड स्टेप में आप अप्लाई करेंगे सिंथेटिक डिवीजन मेथड, तो सिंथेटिक डिवीजन मेथड अब तक आपको आना चाहिए, कोफिशिएंट और कांस्टेंट आप लिखते हैं, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1, एक्स स्क्वायर का 9, एक्स का 26 और कांस्टेंट 24, रूट आपके पास माइनस टू है, 1 एज इट इज नीचे, 1 इंटू माइनस टू, माइनस टू प्लस 9 7, 7 इंटू माइनस टू माइनस 14, 26 माइनस 14 12, 12 इंटू माइनस टू माइनस 24, आपस में ऐड होंगे आंसर जीरो आ गया, तो रिमाइंडर तो आपको पता ही है जीरो आना था क्योंकि आपने माइनस टू रूट निकाल लिया था। अब यहां से हमें क्वेश्चन चाहिए, तो आपके पास 1x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 क्वेश्चन आ गया, अब 1 हम एज अ कोफिशिएंट मेंशन नहीं करते, तो x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 भी आपके जो रिमेनिंग टू फैक्टर्स थे वो आ गए। अब नेक्स्ट स्टेप स्टेप 3 में आप कहेंगे सिंस इक्वेशन आपको ये गिवन थी पॉलिनॉमियल इक्वेशन ऑफ x, तो देयरफॉर आप इस पॉलिनॉमियल इक्वेशन ऑफ x को लिख सकते हैं x प्लस 2 इंटू x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, आप उसे मल्टीप्लाई कर लें वही ऊपर वाली इक्वेशन आ जाएगी। अब यहाँ पर मिडिल टर्म ब्रेक करना है, पीछे सवाल ऐसे ही हमने सॉल्व किए और सेम यही आपकी मिडिल टर्म ब्रेक हो रही, तो इसको ज्यादा डिटेल में नहीं समझा रहा, आपके पास 4 इंटू 3 12 होते हैं और 4 प्लस 3 7, मिडिल टर्म ब्रेक हो गई, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12, इधर आपके पास x कॉमन है, इसके पास प्लस 3 कॉमन है, जब आप कॉमन लेंगे तो आपके पास एंड में आंसर x प्लस 2 इंटू x प्लस 3 इंटू x प्लस 4 ये फाइनल आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे आपकी कंप्लीट एक्सरसाइज 4.8 हो जाती है, जितने भी सवाल थे मेजॉरिटी ऑफ देम मैंने करवा दिए, जो इनसे मिलते जुलते हैं वो आप लोग इसको घर पे खुद भी बैठ के ट्राई करेंगे तो आराम से सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पर आपके पास चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है। क्लियर है यहाँ तक?